क्योंकि छोटू राम जी किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक जाति के नहीं थे, और थे तो एक जाति के थे, और वो जाति थी जो लुटती थी, जिसका शोषण होता था, जिसको हकारत की नजर से देखा जाता था। सामाजिक रूप से किसान और जो कमेरा वर्ग था वो अपना अस्तित्व खो चुका था। उसको ये था कि भगवान ने मुझे पैदा तो कर दिया लेकिन यूं ही घुट घुट के मर जाना है, मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। छोटू राम ने उनको ये कहा कि नहीं, तुम अपने आप को पहचान, अपनी आत्मा को जगा, अपने स्वाभिमान को पैदा कर। और वो स्वाभिमान अगर किसी ने आज से 100 साल पहले इस गरीब कमेरे वर्ग के अंदर पैदा किया तो वो एकमात्र नेता था दीनबंधु छोटू राम। लेकिन छोटू राम के नाम को वोट के साथ ना जोड़ा जाए। वोट का अगर कोई है तो अपने कर्म से लो, अपने कामों से लो, अपनी अच्छाइयों से लो, या कोई नहीं देता तो तुम्हारी बुराइयों से नहीं देगा। लेकिन छोटू राम के नाम से राजनीति करना, मैं इसको कभी ना तो मैंने कभी की है और ना मैं इसको ठीक मानता। इसीलिए इस मंच को परिवर्तित किया जाए इस बात के लिए कि छोटू राम का जो सिद्धांत है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उस महान आत्मा को हम इस देश के और इस किसान वर्ग के युवा के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं।